अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। सो आज की दुख भरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मुझे आज नेल्स काटने पड़ गए। आज फ्राइडे है, मैं मम्मा को कब से टहला रही थी कि नहीं फ्राइडे को पक्का नेल्स कट कर लूँगी, पक्का कर लूँगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं जब भी अपने इतने बड़े नेल्स कट करती हूँ ना, मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने क्या हुआ, अपनी खेती है, दोबारा बढ़ जाएंगे नेल्स। फिर मैंने यहाँ पर अपने नेल्स काटे। दुख भरी मेरी कहानी यही है कि इतनी मुश्किल से बड़े होते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है और फिर एक मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है उंगलियाँ ही छोटी हो गई, फिंगर्स इतनी अजीब सी लग रही होती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपने सारे लेंसेस लेकर बैठ गई और मैंने अपने लेंस को पानी वानी दिया। इन बेचारों को भी बिल्कुल सूखे पड़े थे, मर रहे थे, मैंने भी इनको थोड़ा खाना पानी दिया। इनको भी ज़रूरत होती है थोड़ी केयर की। मैंने सारे लेंसेस अपने ऐसे करके रख दिए। उसके बाद हमने मंगाए गोलगप्पे, आई लव दिस। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर गोलगप्पे बना रही थी, मैंने बोला रुको ऐसा ऐसा बनाओ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो चुप रह जाना। लेकिन इनसे कहाँ चुप रहा जाता है, तो मैंने बैकग्राउंड वॉइस बंद करी और वॉइस बनने लग गई। खैर आजकल के तो इतने चोर हो गए, गोलगप्पों में सिर्फ छोले और दो चटनी के साथ पकड़ा देते। बस इंसान अच्छे से कुछ दे, लेकिन ये कि मेरे को ज़्यादा भरे हुए गोलगप्पे नहीं पसंद, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। सो यहाँ पे रात के खाने में मम्मा ने बनाया था पराठे और सीख बोटी, इतने मज़े की बनी थी कि अभी तक टेस्ट है मुझे तो। खैर यहाँ पे मनाइल मेरी सिस्टर पराठे बना रही थी और मैं जो है इस वीडियो बना रही थी। मैं बहुत कम काम करती हूँ, मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इन लोगों के, जब ये लोग काम कर रहे होते हैं इनके पीछे पीछे पहुँच जाते हैं, जैसे चलो तुम पराठे बना रही हो, वीडियो बना लूँ, ये सीन है। खैर यहाँ पे ये बहुत मज़े के पराठे बनाती है, इसने पराठे बना लिए और ये मेरा पराठा है। हम लोग ऐसे फ्रोज़न पराठे ना करके रखते हैं और ऐसे थैली में, और आराम से बना लेते हैं जब भी खाना होता है रात में कभी भी। और मुझे तो रात में स्पेशली मुझे भूख लगती है ना, तो मैं चाय पराठे ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बस खा ही लेती हूँ गुजारे लायक, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे रात में चाय पराठा खाना। खैर मैंने मज़े से ये खाया, उसके बाद कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था। मैंने रात में बनाई ये चॉकलेट मार्बल केक 1 कप, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मैं कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करती, मेरी रेसिपी इतनी कोई खास नहीं होती, बस मैं जो रेसिपी देखती हूँ उसी को फॉलो कर लेती हूँ। सो मेरा मकसद आपको सिर्फ दिखाना होता है कि मैं ये काम करूँ, जस्ट मुझे कोई रेसिपी नहीं बतानी होती। खैर ये बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा यम्मी और स्टाइलिश सब मज़ेदार के बहुत 10 मिनट में बन जाता है, बहुत मज़े का।